Hello students, welcome back here in the next session of your subject mathematics. Students, in previous session we have completed till our chapter number 4. Subtraction tha hamara chapter number 4, wo humne complete kar liya tha. Today I am going to start the new chapter which is multiplication and chapter number 5. To hum aaj start karenge multiplication. Pehli cheez jo hum is chapter mein padhenge sign of multiplication, yani ki multiplication ka sign kya hai? That is अक्रॉस, क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन का साइन. स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन क्यों करें और हमें कैसे करना चाहिए. पहली चीज, जब हम ऐड करते हैं तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गैप, तो हम क्या करते हैं? वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो ये हमारा लंबा मेथड हो जाएगा कैप को प्लस करने का. अगर आपसे कोई पूछ लेगा यहाँ पे कितनी कैप दी हुई है, तो आप क्या करोगे? वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे प्लस करोगे ना, तो ये क्या हो जाता है? बहुत ही लेंदी मेथड हो जाता है. इसी लेंदी चीज को, यानी ये जो प्रोसेस है वो लंबा ना हो जाए, इसको कम करने के लिए क्या यूज में करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? दैट इज मल्टीप्लीकेशन. कैसे करेंगे? अगर हमें इसी कैप्स को अभी कैप को प्लस करना है कि यहाँ पे कितनी कैप्स दी हुई हैं, तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हम कैप्स को कैसे प्लस कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कैप्स दी हुई हैं. तो हम क्या करेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे. क्या कि हमने कैप्स का ग्रुप बना दिया, कितने कितने का? दैट इज टू का ग्रुप बना दिया हमने. टू 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 कैप्स का हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिया. अब हम क्या करेंगे, दैट इज टू, टू कैप होगी. फिर अनदर ग्रुप कितने कैप का है? टू. दूसरा तीसरा ग्रुप कितने कैप्स का है? दैट इज टू. तो अगर हम इसको प्लस करते हैं, दैट इज टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स. तो ये था, अगर हमने ग्रुप बना के प्लस किया तो क्या आंसर आया? दैट इज सिक्स. लेकिन हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, क्या कर सकते हैं? लाइक हमारे पास टू कैप्स थी, फिर टू कैप्स और आ गई, एंड फिर टू कैप्स और आ गई हमारे पास. तो इधर क्या किया हमने, हमने क्या किया? टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स. बट अब हम इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थ्री टूज, यानी थ्री ग्रुप्स हैं, दैट इज वन टू थ्री. थ्री टूज मिला के कितना बनता है? दैट इज सिक्स. क्या आंसर आता है? थ्री टूज को अगर हम कर दें, यानी कि वन टू थ्री, थ्री बार टू को अगर हम इंटू कर दें, ये है इंटू का सिंबल, तो थ्री टूज आर इज इक्वल टू सिक्स. हाउ मैनी? थ्री टूज आर इज इक्वल टू सिक्स. तो ये सिंपल सा मैटर, यानी कि टू प्लस टू प्लस टू करने की बजाय हमने क्या कर दिया, इसका ग्रुप जो था उस ग्रुप को हमने इंटू कर दिया टू से. क्या किया हमने? ग्रुप को, यानी वन टू थ्री, थ्री ग्रुप को किससे इंटू किया? टू टू का पेयर है ना, उस पेयर से इंटू कर दिया. तो थ्री टू आर इज इक्वल टू सिक्स. इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं थ्री को हम क्या कहते हैं, दैट इज मल्टीप्लायर. थ्री क्या होता है? मल्टीप्लायर, जो कि क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स अ ग्रुप अकर, यानी कि मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि ग्रुप कितनी बार बन रहा है. ग्रुप कितनी बार बन रहा है? इधर हमने देखा ना, दो दो का ग्रुप कितनी बार? वन टू थ्री, तीन बार ग्रुप बन रहा है. दैट इज व्हाई वी राइट हियर थ्री, दैट इज थ्री इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. इसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स अ ग्रुप अकर, कितनी बार ग्रुप बन रहा है. एंड टू देखते हैं स्टूडेंट, टू इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटेड. टू इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटेड, जिसका मतलब होता है, ये बताता है टेल्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप, यानी कि हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं. इस ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं? दैट इज टू. इस ग्रुप में भी टू, एंड इधर भी ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं? टू. तो मल्टीप्लायर क्या होगा? कितने ग्रुप हैं ये बताता है. मल्टीप्लीकेटेड का मतलब है कि उस ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये बताता है. एंड थ्री इंटू टू जब हम करते हैं, यानी थ्री टू इज इक्वल टू सिक्स, ये क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं देखते हैं. थ्री टूज को मिला के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट. और आंसर और रिजल्ट, रिजल्ट को हम मल्टीप्लीकेशन में क्या कहते हैं? दैट इज प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट्स,
हमारे मैथमेटिक्स में जो टेबल बनी है वो किसकी हेल्प से बनी है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो हमारी टेबल्स बनी हुई हैं, जितनी भी टेबल्स हैं वो किसकी हेल्प से बनी है, दैट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, लाइक एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने इधर लिखा है 2 की टेबल, कैसे लिखेंगे हम इसको मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हम करेंगे, लाइक 2 वंस आर इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर हमने 2 को 1 से इनटू किया तो हमारा आंसर आया दैट इज 2, एंड 2 2s are इज इक्वल टू 4, यानी 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 2 3s are इज इक्वल टू 6, यानी कि अगर हमने 2 + 2 + 2 लिखा हुआ है तो यानी कि 2 को हमने कितनी बार लिखा है, दैट इज 3 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आया 6। ऐसे ही देखते हैं 2 4s are इज इक्वल टू 8, कैसे 2 को अगर हम 4 बार प्लस करते हैं 1 2 3 and 4 इज इक्वल टू 8, 2 4s are 8, इट्स लाइक 1 2 3 4, ये कितना है नंबर, कितने हैं 4, और जो नंबर दिया हुआ है ये कितने का ग्रुप है 4, एंड नंबर क्या दिया हुआ है दैट इज 2, तो 2 into 4 इज इक्वल टू 8। इसी तरह 2 5s are इज इक्वल टू 10, 2 6s are इज इक्वल टू 12, 2 7s are इज इक्वल टू 14, 2 8s are इज इक्वल टू 16, 2 9s are इज इक्वल टू 18, एंड 2 10s are इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट्स, ये सारी टेबल तो हम लोगों को लाइक 2 की 3 की 4 की टेबल्स लिखनी है मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, एंड उसको लर्न भी करना है। फिलहाल तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो मूव करते हैं अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो की है हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1। स्टूडेंट्स, जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारे मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। तो इधर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, रोलिंग स्टिक दी हुई है और इसके 3 ग्रुप दिए हुए, यानी कि 3 के 3 ग्रुप दिए हुए, कैसे 1 2 3 के कितने, यानी 3 1 2 3 1 2 3, और कितने ग्रुप है दैट इज 1 2 3। तो हमने क्या किया, 3 + 3 + 3 को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज 3 multiply by 3। क्यों हमने किया, क्योंकि हमारी जो ग्रुप है वो कितने है, दैट इज मल्टीप्लायर, यानी कि जो ग्रुप है वो कितना है 1 2 3, तो हमने मल्टीप्लायर लिखा एंड मल्टीप्लिकेटेड, यानी कि ग्रुप में कितने नंबर्स हैं, दैट इज 1 2 3, तो हमने क्या लिख दिया मल्टीप्लिकेटेड कितना 3, तो हमारा प्रोडक्ट यानी आंसर क्या आएगा 3 into 3 = 3 3s are = 9, आंसर क्या है हमारा दैट इज 9। ऐसे ही हम सेकंड में मूव करते हैं, आपकी बुक में कैप दी हुई है सेकंड क्वेश्चन पे, एंड ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 कैप्स, और कितने ग्रुप्स दिए हैं दैट इज 1 2 3 4 and 5, यानी कि 5 ग्रुप्स दिए हैं कितने के, कितने कैप्स के, दैट इज 1 1 2 3 4 and 5, 5 5s के 5 ग्रुप दिए हुए हैं, लाइक 5 + 5 + 5 + 5 and + 5, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 5 ग्रुप्स है दैट इज 1 2 3 4 5, एंड मल्टीप्लीकेटेड कितने हैं, हर ग्रुप में कितने नंबर है दैट इज 1 2 3 4 5, हर ग्रुप में कितनी कैप है दैट इज 5, तो 5 5s are इज इक्वल टू 25, यानी कि 5 5s विल मेक क्या बनाएंगे 5 into 5 इज इक्वल टू 25। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चंस, जो कि आपको अपने होमवर्क में इसके रिमेनिंग सम्स करने हैं। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आया हो, एंड आप इसकी एक्सरसाइज 5.1 अच्छे से बुक में अपनी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो आज के लिए इस सेशन में हम इतना ही करेंगे, बाकी मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपके पेज नंबर 68 से आपको टेबल दी हुई है, आपको वो टेबल लर्न करनी है फ्रॉम 2 to 10। ओके स्टूडेंट, दिस विल बी योर होमवर्क एंड एक्सरसाइज 5.1 विल ऑल्सो बी योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टूडे। थैंक यू सो मच।